हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी फूड विद बुशरा। देसी फूड में आज आपको वेलकम करते हैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ। आज की हमारी न्यू रेसिपी है चिकन कोफ्ता। आएँ तो अपना चिकन कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ आधा किलो चिकन लिया है, चिकन का कीमा। इसके अंदर मैं 7 से 8 हरी मिर्चें ऐड करूँगी, कुछ जवे लहसुन के ऐड करूँगी और एक मीडियम साइज का प्याज जिसको मैंने काट लिया है वो ऐड कर देंगे। कीमा हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको बॉल में निकाल लेंगे। हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच सफ़ेद नमक, आधी चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच काले मिर्च का पाउडर। तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके कोफ्ते रेडी करेंगे। अपने हाथों को पानी लगाएंगे, छोटे छोटे इसके इस तरीके से हम बॉल रेडी करेंगे। हमारा कोफ्ता रेडी हो चुका है, इसको रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम अपने तमाम कोफ्ते रेडी कर लेंगे। कोफ्ते हमारे बनके रेडी हो चुके हैं, अब इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। जब तक कोफ्ते हमारे फ्रीज़र में हैं तब तक हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। मैंने लिया है यहाँ कुछ प्याज, लहसुन के जवे, 2 बड़े टमाटर और सब्ज़ मिर्ची। मैं प्रेशर में डाल दूँगी। अब हम इसमें डालेंगे आधी प्याली पानी की और वेट को लगा देंगे। लहसुन अदरक हमारा गल चुका है, इसके अंदर हम अब अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें सूखे धनिए की आधी चमची, पिसा हुआ सूखा धनिया, आधी चम्मच इसमें मैं हल्दी ऐड करूंगी, आधा चम्मच या टेस्ट के मुताबिक मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, 1 चम्मच सूख पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। इसको मिक्स कर देंगे और पानी के खुश्क होने तक इसको पकने देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर शान कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ एक अंडा लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम एक कोफ्ता पकड़ेंगे, अंडे के अंदर डिप करेंगे और इसको कढ़ाई में डाल देंगे। इसी तरह अंडा लगा के तमाम कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। तमाम मसाले का पानी खुश्क हो चुका है, इसके अंदर शान कुकिंग ऑयल तकरीबन 1/2 कप यूज करेंगे। इसको भूनेंगे, अच्छी तरह इसकी फ्राई कर लेंगे। तमाम कोफ्ते हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं दोनों साइडों से। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, इसी तरीके से बाकी के कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, मसाले की हमारी अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब अपने फ्राई किए हुए कोफ्तों को इस मसाले के अंदर ऐड करेंगे, इसमें मिक्स कर देंगे और हल्की आंच पर इसको पकने देंगे ताकि तमाम नमक मिर्च इसके अंदर अच्छी से चली जाए। कोफ्तों की भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, इसको मज़ीद 5 मिनट और हल्की आँच पर हम भुनाई करेंगे। कोफ्ते हमारे देखे कितने शानदार फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर 2 ग्लास के बराबर मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी ऐड करने के साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दूंगी और इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, चिकन कोफ्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर हम सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, आधी चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इसका चूल्हा बंद कर देंगे।
फ्रेंड्स, हमारे शानदार से चिकन कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।